तो दोस्तों हम लोग लेकर आ चुके हैं यहाँ पे 100 मार्क्स इंग्लिश का काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और ये सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिहार बोर्ड के द्वारा जारी ऑफिशियल मॉडल सेट का क्वेश्चन है दोस्तों, और यहाँ से आप लोगों को डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलता है। ठीक है, तो लास्ट तक इस वीडियो को देखते रहिए। हम लोग बुक सेक्शन से करेंगे 50 से 60 क्वेश्चन, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि नया वीडियो जैसे लेंगे तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और भी वीडियो चाहिए तो कमेंट कीजिए। तो चलिए जानते हैं यहाँ पे दोस्तों 31 नंबर क्वेश्चन कि द सेंटेंस मॉडर्न इन्वेंशंस आर टू मेडनिंग टू रेसिस्ट इज फ्रॉम, ये जो लाइन दिए गए हैं दोस्तों, ये लाइन जो है ये कहाँ से लिया गया है, ये वाक के सेंटेंस, तो ये लिया गया आपका इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से। ठीक है, तो सही उत्तर यहाँ पे 31 का बी हो जाएगा आपका सही उत्तर। देखिए बहुत सारे यहाँ पे आप लोग को लाइन पूछा जाता है एग्जाम में, और बहुत ही और ज़्यादातर समझिए कि आप लोग इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से ही लाइन रहते हैं। ठीक है, तो देख लीजिएगा दोस्तों, आप लोग लाइन वाले क्वेश्चन बहुत ही रहते हैं। 32 है कि भारत इज माई होम इज रिटेन बाय, भारत इज माई होम जो चैप्टर वो किसके द्वारा लिखा गया है, तो वो डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा लिखा हुआ है, तो सही उत्तर यहाँ पे 32 का डी। 33 है दोस्तों कि द्रोथी एल सेयर्स डेज डेट प्रेस इज फ्री, चूज द करेक्ट ऑप्शन, ये जो दिया है बोला रहा है दोस्तों कि डेट एल सेयर्स डेज डेट प्रेस इज फ्री, तो ये होगा सम हेयर। ठीक है, कहीं कहीं यहाँ पर तो सही उत्तर हो जाएगा आपका 33 का सी। चलिए 34 देखते हैं कि सीगा नोया इज अ डैश शॉर्ट स्टोरी राइटर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये, तो सीगा नोया इज अ जापानीज शॉर्ट स्टोरी राइटर, जापान के थे, तो सही उत्तर यहाँ पे 34 का सी हो जाएगा। चलिए 35 देखते हैं कि बेंजीज वांटेड टू डैश हिज पेरेंट्स लैंड, तो क्या करना चाहता था दोस्तों ये बेंजीज, अपने पेरेंट्स के लैंड को तो ये खरीदना चाहता था, तो सही उत्तर यहाँ पर 35 का बी हो जाएगा, बाय क्या हो जाएगा यहाँ पर बेंजी वॉन्टेड टू बाय हीज पेरेंट्स लैंड। ठीक है, 36 है कि पियर एस बक वाज ए एन डैश बाय बर्थ, तो ये कहाँ के थे दोस्तों पियर एल बक, तो पियर एस बक जो था ना ये था आपका अमेरिकन। ठीक है, तो सही उत्तर यहाँ पे अमेरिकन बाय बर्थ हो जाएगा, तो 36 का डी। 37 है कि द नेम ऑफ लोमोब डॉग्स, द नेम ऑफ लोमोज लोमो के डॉग का क्या नाम था, तो ये गेस था दोस्तों, तो सही उत्तर यहाँ पे 37 का ए हो जाएगा, गेस। ठीक है, चलिए 38 देखते हैं हम लोग कि द लाइन नॉट द होप द वर्ल्ड कैन शो ए फिटर लव फॉर मी, ये जो लाइन दिया गया है ना ये किस चैप्टर से लिया गया है दोस्तों, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन बताना है आप लोग को, तो ये लाइन है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, तो सही उत्तर यहाँ पे 38 का डी हो जाएगा। 39 है कि लीव्स ऑफ ग्रास इज अ कलेक्शन ऑफ पोएम्स बाय, लिप्स ऑफ ग्रास जो है कलेक्शन जो है किस पोएम का, तो यहाँ पे सही उत्तर किस राइटर के द्वारा, लिप्स ऑफ ग्रास, तो ये जो लिखा गया है दोस्तों ये आपका वाल्ट व्हाइटमैन के द्वारा, तो सही उत्तर यहाँ पे 39 का डी हो जाएगा। ठीक है, 40 देखते हैं हम लोग दोस्तों, यहाँ पे बोला जा रहा है आप लोगों को कि द लाइन द वॉइस ऑफ माई एजुकेशन सेड टू मी ही मस्ट बी किल्ड डैश बी डैश इज टेकन फ्रॉम, ये जो है ना दोस्तों यहाँ से यहाँ तक ये किस चैप्टर से लिया गया है लाइन, तो ये लिया गया है दोस्तों आप लोगों को स्नेक चैप्टर से, तो सही उत्तर यहाँ पे 40 का ए। 41 है कि लामिया एंड हिपेरिन आर रिटेन बाय, लामिया एंड हिपेरिन जो था ना वो किसके द्वारा लिखा गया था, तो ये लिखा गया था दोस्तों जॉन किट्स के द्वारा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो 41 का बी। 42 है कि टी एस एलोट इज अ डैश पोएट, तो टी एस एलियट जो है ना दोस्तों ये 20th सेंचुरी के कवि थे, तो सही उत्तर यहाँ पे 42 का ए। 43 है दोस्तों बोला है कि द पोएट्स इन माई ग्रैंड मदर्स हाउस, ये जो चैप्टर है ना जस्ट वांटेड टू लिसन टू द डैश एयर, तो यहाँ पे सही उत्तर 43 का क्या हो जाएगा दोस्तों, फ्रोजन एयर, तो सही उत्तर यहाँ पे 43 का बी हो जाएगा, फ्रोजन एयर। ठीक है, 44 है कि द लाइन, ये भी जो लाइन दिया गया ना किस चैप्टर से लिया गया, लाइट ऑफ स्टेप एंड हार्ट वाज सी, तो ये लाइन जो दोस्तों है आप लोगों का यहाँ पे ऑप्शन है ये है एन एपिटाफ चैप्टर से, तो सही उत्तर यहाँ पे 44 का सी हो जाएगा आपका। 45 है कि द मेजर लिंग्विस्टिक चेंज इज नॉन एज डैश चूज द करेक्ट ऑप्शन, तो क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे द मेजर लिंग्विस्टिक चेंज इज नॉन एज, तो ये था दोस्तों आपका ओल्ड यहाँ पे द ग्रेटेस्ट वोवेल शिफ्ट। ठीक है, तो सही उत्तर यहाँ पे 45 का सी हो जाएगा, मेजर लिंग्विस्टिक चेंज इज नॉन एज द ग्रेट वोवेल शिफ्ट। 46 है कि अनटचेबल एंड कुली आर रिटेन बाय, ये जो
दो है ना बुक, किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये लिखा गया है मुल्क राज आनंद, एम आर आनंद के द्वारा। तो सही उत्तर यहाँ पे 46 का बी हो जाएगा। चलिए 47 देखते हैं कि तुगलक इज रिटेन बाय, ये जो तुगलक रिटेन किसके द्वारा लिखा गया है दोस्तों? तो ये लिखा गया है आपका ग्रीस कर्नाट के द्वारा। तो सही उत्तर यहाँ पे 47 का डी हो जाएगा। चलिए 48 देखते हैं हम लोग कि डैश लैंग्वेज विल बी वन कॉमन लैंग्वेज फॉर यूज। तो ये ग्लोबल स्टैंडर्ड इंग्लिश लैंग्वेज जो है ना, ये सभी के लिए कॉमन लैंग्वेज है। तो सही उत्तर यहाँ पे 48 का ए हो जाएगा। चलिए 49 देखते हैं लास्ट दो क्वेश्चन हम लोग कि द वर्ल्ड ड्रामा कम्स फ्रॉम अ डैश वर्ड। तो ये जो ड्रामा शब्द है ना, ये किस कहाँ किस शब्द से आया है? तो ये ग्रीक शब्द से। तो सही उत्तर यहाँ पे 49 का डी हो जाएगा। 50 देखते हैं दोस्तों हम लोग कि द रोमांटिक रिवाइवल इज ऑफन एसोसिएटेड विथ। तो रोमांटिक रिवाइवल जो है ना यहाँ पे एसोसिएटेड विथ ये है विलियम वर्ड्स वेथ से। तो सही उत्तर यहाँ पे 50 का सी हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट अब लोग देखते हैं दोस्तों मॉडल सेट को। तो यहाँ पर हम 31 से 50 तक कर लिया है, अब नेक्स्ट मॉडल सेट में भी हम लोग देखेंगे कुछ क्वेश्चन को। तो बन रही है इस वीडियो के साथ। तो चलिए दोस्तों हम लोग यहाँ से कुछ क्वेश्चन को देख लेते हैं आप लोगों के लेटेस्ट मॉडल सेट के साथ। तो 40 से हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन, कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सभी क्वेश्चन दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे हर एक साल जो है ना 50 मार्क्स इंग्लिश, 50 मार्क्स हिंदी, ये सभी क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं रिपीटेड क्वेश्चन। तो अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी आप लोग देख लिए हो तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वहीं से आप लोगों को डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ दिए जाएंगे, ठीक है? और जितने भी अभी तक आप लोग एग्जाम दिए हैं ना, सभी 10 साल का अगर पढ़े होंगे 9 साल का, तो आपको सब क्वेश्चन जो है ना बोर्ड में पूछ दिए देखने को मिलेगा, अगर अच्छे से तैयारी किए होंगे तो, ठीक है? क्या है दोस्तों 40 नंबर की, दोरोथी एल सेयर्स इज द ऑथर ऑफ। तो दोरोथी एल सेयर्स जो है ना वो किस चैप्टर के लेखक है? तो ये है हाउ फ्री इज द प्रेस। तो सही उत्तर यहाँ पे 40 का आपका ए हो जाए। तो 41 है दोस्तों यहाँ पे कि पियर एस बक इज नॉन फॉर हर। तो ये किस लिए जाने जाते हैं? तो ये नॉवेल्स के लिए जाने जाते हैं। तो सही उत्तर यहाँ पे 41 का सी हो जाएगा। चलिए 42 देखते हैं कि द नेम ऑफ बेंजीज वाइफ वाज। तो बेंजीज के वाइफ का क्या नाम था दोस्तों? तो ये था फ्लोरेंस। तो सही उत्तर यहाँ पे 42 का बी हो जाएगा। 43 है कि ओ हो फीवल इज मेंस पावर इज फ्रॉम। तो ओ हो फीवल इज मेंस पावर, ये जो लाइन है ना वो किस चैप्टर से लिया गया है दोस्तों? तो ये लिया गया है आप लोगों का स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। तो सही उत्तर यहाँ पे 43 का डी हो जाएगा। 44 है कि लोमोव एंड नटालिया आर कैरेक्टर सीन। तो लोमोव एंड नटालिया जो है ना वो किस चैप्टर के यहाँ पे कैरेक्टर है दोस्तों? तो ये है आप लोग का यहाँ पे ए मैरिज प्रपोजल। तो सही उत्तर यहाँ पे 44 का बी हो जाएगा, लोमोव एंड नटालिया, ठीक है? 45 है कि लिप्स ऑफ ग्रास इज अ कलेक्शन ऑफ पोएम्स बाय। तो ये किसके द्वारा कलेक्शन किया गया है, मतलब लिखा गया है? ये लिखा गया वाल्ट व्हाइटमैन के द्वारा। तो सही उत्तर यहाँ दोस्तों क्या हो जाएगा? 45 का डी। 46 है कि हु इज आई इन द पोएम माई ग्रैंड मदर्स हाउस। तो ये जो चैप्टर है ना जिसमें आई का जो कौन रहते हैं दोस्तों उस पोएम में, तो ये रहता है दोस्तों कौन? पोएटेस, ठीक है? तो सही उत्तर यहाँ पे 46 का ए हो जाएगा। 47 जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार ये क्वेश्चन मॉडल सेट में मिलेगा ही मिलेगा आप लोग को कि लामिया एंड हेपेरिन आर रिटेन बाय। ये लिखा गया जॉन किट्स के द्वारा। तो सही उत्तर यहाँ पे 47 का बी हो जाएगा। 48 है कि टी एस एलेट वाज अवार्डेड इन द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर। टी एस एलेट को जो है ना कब नोबेल प्राइज मिला था लिटरेचर में? तो ये मिला था 1948 में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 48 का डी। 49 है कि ट्रेवलर्स इन देयर लास्ट डिस्टेंस इज फ्रॉम। तो ट्रेवलर्स जो है ना इन देयर लास्ट डिस्टेंस इज फ्रॉम, ये किस चैप्टर से है दोस्तों? तो ये है आप लोगों का नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट। तो सही उत्तर यहाँ पे 49 का ये हो जाएगा। 45 है कि बट ब्यूटी वेनिसेज ब्यूटी पासेज इज फ्रॉम। ये जो लाइन है ना ये किस चैप्टर से लिया गया है? तो ये लिया गया है दोस्तों आप लोगों का एन एपिटाफ चैप्टर से, बट ब्यूटी वेनिसेज ब्यूटी पासेज। सही उत्तर यहाँ पे 50 का सी। चलिए 51 देख लेते हैं कि द रेप ऑफ द लॉक इज रिटेन बाय। ये जो चैप्टर है ना द रेप ऑफ द लॉक, ये किस लेखक के द्वारा लिखा गया है? तो ये अलेक्जेंडर पॉप के द्वारा। तो सही उत्तर यहाँ पे 51 का ये हो जाएगा। 52 है कि हु अमोंग द फॉलोइंग वाज अ रोमांटिक पोएट। कौन से पोएट जो है ना रोमांटिक पोएट के रूप में जाने जाते हैं दोस्तों इसमें ऑप्शन में? तो ये जाने जाते हैं आप लोगों का कौन सा? तो ये जॉन किट्स। तो सही उत्तर यहाँ पे 52 का बी हो जाएगा। 53 है कि इंग्लिश इज स्टडीड एज अ डैश लैंग्वेज इन सऊदी अरेबिया।
तो सऊदी अरब में जो है ना इंग्लिश को कैसे किस रूप में पढ़ाया जाता है दोस्तों, तो वो पढ़ाया जाता है फॉरेन लैंग्वेज के रूप में। तो सही उत्तर यहाँ पे 53 का बी हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। द कैंटरब्यूटी टेल्स इज रिटेन बाय, तो द कैंटरब्यूटी टेल्स ये किसके द्वारा लिखा गया है दोस्तों, तो ये चौसर के द्वारा लिखा हुआ है। तो सही उत्तर यहाँ पर 54 का डी हो जाएगा। 55 है कि द वर्ल्ड ड्रामा कम्स फ्रॉम व्हाट, बहुत ही इंपॉर्टेंट हर साल पूछे जाने वाला क्वेश्चन। ड्रामा शब्द जो किस वर्ड से लिया गया है, तो ये ग्रीक शब्द से, बहुत इंपॉर्टेंट हर बार ये पूछा जाता है, तो याद रख लीजिए आप लोग। 55 का डी हो जाएगा। चलिए 56 देखते हैं हम लोग दोस्तों यहाँ पे कि द रोमांटिक रिवाइवल इज ऑफन एसोसिएटेड। देखिए बहुत बार ये भी क्वेश्चन पूछेगा, वो हर सीट में मिलेगा, हर प्रीवियस ईयर में मिलेगा आप लोग को ये क्वेश्चन। द रोमांटिक रिवाइवल इज ऑफन एसोसिएटेड विद, ये विलियम वर्ड्सवर्थ हो जाएगा। तो सही उत्तर यहाँ पे 56 का सी हो जाएगा आपका। 57 है कि द पोएट इन सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, द पोएट इन सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ डाइज फॉर हिम सेल्फ, तो सिंग्स सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ सिंग्स फॉर हिम सेल्फ। तो सही उत्तर यहाँ पे 57 का सी हो जाएगा। 58 है कि डाइज इज अ मेटाफिजिकल पोएट, तो मेटाफिजिकल पोएट के रूप में कौन जाने जाते हैं दोस्तों, तो ये जॉन डेने जाने जाते हैं, जॉन डोनेट, ठीक है, लेखक मेटाफिजिकल पोएट। 59 है कि बेंजीज फादर वाज अ लोकल, तो बेंजीज के फादर जो है ना लोकल, वो प्रीचर थे, ठीक है। तो सही उत्तर यहाँ पे 59 का बी हो जाएगा। 60 है कि हु इज नोन एज द नाइटिंगल ऑफ इंडिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सरोजिनी नायडू को बोला जाता है, बुलबुल की उपाधि दी थी, द नाइटिंगल ऑफ इंडिया, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग दोस्तों 20 और इधर 50 क्वेश्चन टोटल किए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन था दोस्तों, ये सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन है। इस तरह के और भी वीडियो चाहिए तो कमेंट कीजिए, हम लोग लगभग समझिए कि 100 क्वेश्चन करेंगे दोस्तों। आने वाले शाम में जो वीडियो अपलोड होगा उसमें 100 क्वेश्चन में आप लोगों को अगर 20 क्वेश्चन 100% मिलेगा आप लोगों को, तो बन रहिएगा दोस्तों वीडियो पाने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखते रहिए चैनल को। अगर ग्रामर का भी वीडियो चाहिए तो कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि नया वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द ही मिल जाए।